सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट वन में जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने यहाँ पे एक कटिंग बताई थी बॉक्स प्लेट प्लाजो वाली। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हम स्टिचिंग दिखाएंगे। तो स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पे साइड में एक जिप लगानी है हमें इस प्रकार से, और ऊपर की साइड बेल्ट लगानी है, और नीचे यहाँ पे हम घुटनों के बाद जो नीचे का जो कपड़ा हमने कटिंग किया हुआ है उसकी हम बॉक्स प्लेट डालेंगे और इस प्लाजो को खुला प्लाजो तैयार करेंगे बॉक्स प्लेट वाला। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम ये ऊपर का हिस्सा तैयार करते हैं जो कि हमने यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, उसके बाद हम नीचे की बॉक्स प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारे पास फ्रंट है तो इसमें प्लेटें डालनी होती है, इस प्रकार से निशान डाल लगा लेते हैं और सेंटर में यहाँ पे कट लगाते हैं। तो जो हमारी यहाँ पे प्लेट है पहले, जिसको डॉट प्लेट बोलते हैं, तो ये वाली डाल लेते हैं। प्लेट डालने के बाद अब हम यहाँ पे आसन को ज्वाइंट करते हैं फ्रंट के इस तरीके से, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे आसन से ज्वाइंट कर लेते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे आसन ज्वाइंट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड का जो आसन होता है उसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड वाला आसन हो गया। दोनों आसन ज्वाइंट करने के बाद हम फ्रंट को ऊपर की साइड इस प्रकार से रखते हैं, और जिस साइड हमें जिप लगानी होती है उस साइड हम इस तरीके से निशान लगाएंगे तकरीबन 5 इंच का। और ये जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे हम एक पट्टी ज्वाइंट करते हैं। इस प्रकार से हमें पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच की होगी। इस पट्टी को हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड बेल्ट ज्वाइंट करनी है, तो हम एक बुकरम की बेल्ट कटिंग करेंगे तकरीबन 22 इंच की लंबाई वाली, और जो चौड़ाई रखेंगे उसकी 1.5 से 2.25 इंच की रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बुकरम की पट्टी कटिंग कर ली है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच की होगी, और लंबाई हम इतनी रखेंगे जितना हमारा यहाँ पे फ्रंट आता है उससे तकरीबन 2 से 2.5 इंच ज्यादा। अब हम इस पट्टी को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पट्टी है, ये जो बुकरम है, ये पेस्टिंग वाली है जो कि प्रेस से चिपक जाती है, तो इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने बेल्ट यहाँ पे पेस्ट कर ली है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको देखते हैं फोल्ड करते हुए, जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इस साइड में
इसको भी हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमारा यहाँ पे आना चाहिए इतना एक्स्ट्रा डबल, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम फ्रंट रखेंगे ऊपर की साइड इस तरीके से और यहाँ पे अटैच करेंगे। एक साइड से शुरुआत करेंगे अटैच करने की, यहाँ पे बेल्ट के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमने यहाँ पे नीचे की साइड पट्टी लगाई हुई है यहाँ तक हम सिलाई को रोक लेते हैं। अब हम इस निशान से इस साइड में एक इंच साइड इधर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका इतना मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे इस तरीके से। अगर आगे का बेल्ट एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम इस प्रकार से कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे फोल्ड होने के बाद हमारा यहाँ तक आएगा ये इस प्रकार से। अब हम बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और इस कपड़े को अंदर की साइड इस तरीके से डालते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें सीधी सिलाई आगे तक नहीं ले जानी है, जो ये हमने पट्टी लगाई है यहाँ पे सिलाई रोकते हैं फिर इस पट्टी को इस साइड फोल्ड करते हुए अब हम आगे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बेल्ट तैयार कर ली है। जो ये पट्टी होती है ये हमारी इस प्रकार से रहती है क्योंकि हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे की साइड यहाँ पे जिप अटैच होती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे फ्रंट हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है तो हम साइड जोड़ते हैं। एक साइड हम सीधी कंप्लीट जोड़ देंगे, दूसरी साइड में जिप लगाना बताऊंगा मैं। नीचे की साइड बैक साइड रखेंगे और ऊपर यहाँ पे ये फ्रंट वाला हिस्सा रखेंगे और नीचे से मिला लेते हैं। नीचे से जब मिल जाएगा जहाँ पे हमारा फ्रंट आता है वहाँ से हम ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। एक साइड जैसे हमारी यहाँ पे ज्वाइंट हो जाती है ऊपर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है साइड वाला ये कट कर देते हैं। अब हमारी ये दूसरी साइड रह जाती है। इसे तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे लेंगे और जहाँ तक हमने ये पट्टी लगाई हुई है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से।
और इस निशान में हम यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं आधा इंच का, और यहाँ पे हमें जिप लगानी है। जो हमारे पास ये जिप है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जिप हमारी उल्टी साइड की है, जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये सीधी साइड आ जाएगी इस तरीके से। एक सिलाई यहाँ पे हम ऊपर से लगाएंगे, इस प्रकार हमने इस साइड में ये जिप अटैच कर ली है बैक साइड में, और फ्रंट हमारी ये पट्टी होगी यहाँ पे। अब हमें यहाँ से नीचे से मिलाते हुए इस प्रकार से साइड की ये सिलाई लगानी है। हम यहाँ पे इस सिलाई को यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से, यहाँ तक हम पक्की सिलाई करते हुए धागा कट करते हैं। अब जैसे ये पट्टी हमारी ऊपर की साइड इस तरीके से है, तो सेम इसी तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं जिप के ऊपर इस प्रकार से पलटते हुए। जिप के ऊपर जब सिलाई लगेगी तो हम सीधा करके यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की हमारी यहाँ पे शेप आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे एक साइड हमारी इस पट्टी में जिप अटैच हुई है और एक साइड हमने यहाँ पे बैक साइड में अटैच करी है। अब हम ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगाते हैं इस प्रकार से। सिलाई इस साइड लेके जाएंगे हम, अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे जिप अटैच कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से यहाँ पे जिप आएगी, तो इस प्रकार से आएगी। अब हमारी फ्रंट की बेल्ट तैयार हो गई है, साइड हमने तैयार कर ली है, बैक साइड में यहाँ पे इलास्टिक डालते हैं। बैक साइड में इलास्टिक डालने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से एक पट्टी ज्वाइंट करेंगे जिसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 2.5 से 3 इंच की होनी चाहिए। इस प्रकार फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे बैक साइड में इलास्टिक डालते हैं इस तरीके से,
यहाँ पे ये फोल्ड होता है और बीच में यहाँ पे हमारी यहाँ पे लास्टिक आएगी। तो लास्टिक कितने इंच की डालनी होती है, जितना वेस्ट का नाप होता है उसके हाफ में हम लास्टिक डालते हैं। जैसे हमारी 32 इंच यहाँ पे वेस्ट है तो हम यहाँ पे 16 इंच की लास्टिक कटिंग करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। एक साइड हमने इधर अटैच कर ली है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे कपड़ा जो होता है उसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी अटैच कर लेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे भी अटैच कर ली है लास्टिक। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि ये दोनों पीस हमारे बराबर होने चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी बड़ा छोटा ना हो, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। लास्टिक को इस तरीके से अपनी साइड खींच लेते हैं ताकि हमें लास्टिक डालने में कोई दिक्कत ना आए। फिर से एक बार खींचेंगे तो यहां पे हम देखेंगे बिल्कुल बराबर तरीके से हमने यहां पे लास्टिक कंप्लीट करनी है ऐसे ही। अब हम यहां पे इस प्रकार से इसको खींच लेते हैं तो इसमें जो सलवटें आएंगी वो इकट्ठी आएंगी बिल्कुल बराबर से भी। और यहां पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। खींचते हुए इस तरीके से हमने यहां पे इलास्टिक डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां पे देखेंगे जहां पे हमें ये जिप होती है इसको सीधा कर लेते हैं पूरे पीस को। सीधा करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक साइड में हुक लगते हैं और एक साइड में यहाँ पे हाई लगती है। इस प्रकार से हुक हाई कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से ऊपर का हमारा पूरा हिस्सा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमें नीचे की साइड यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालते हुए नीचे का पार्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने सेंटर का ये निशान बना लिया है, जितनी हमारी पूरी पट्टी लंबाई होती है इस तरीके से। तो सेंटर जो होता है यहाँ पे हमें बॉक्स प्लेट डालनी है। बॉक्स प्लेट हम इस प्रकार से डालेंगे इस तरीके से। आप सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं, एक साइड से भी शुरू कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो। तो यहाँ से हम एक साइड से कर लेते हैं। इस प्रकार का हम तकरीबन
आधा से पौना इंच का फोल्ड लगाएंगे, फिर इस साइड फोल्ड लगाएंगे आधा से पौना इंच का ही, फिर एक फोल्ड और लगाएंगे, इस तरीके से हम फोल्ड लगाते जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स प्लेट बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम लंबाई देख लेते हैं कितनी हुई है, क्योंकि अगर कम ज्यादा होगी तो अभी हमें खोल के दोबारा से बॉक्स प्लेट डालनी होगी। यहाँ पे हाफ हिस्से में हमारी 9.5 इंच तक लेंथ आती है, तो हम यहाँ पे जो हमारा नीचे का पोर्शन है इसको नाप के देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा 9.5 इंच आता है हमारा फ्रंट, और बैक साइड थोड़ी 1 इंच ज़्यादा आएगी, तो हम इस बार यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी प्लेटों का साइज घटा देंगे ताकि हमारी 10.5 इंच रह जाए। इस प्रकार दोस्तों हमने ये बॉक्स प्लेट डाल ली है। दूसरे पीस में भी हम सेम इसी तरीके से बॉक्स प्लेट डालते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड के कपड़ों की जो लेंथ थी उसमें बॉक्स प्लेट यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। एक साइड की हमारी ये रहेगी और दूसरी साइड की ये होगी। अब इनको हम अटैच करते हैं एक साइड से इस प्रकार से। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे बराबर होने चाहिए, कम ज्यादा ना हो, ये ध्यान रखें इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल बराबर है। हम यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई से इनको अटैच करते हैं। प्लेट की सेव हमारी बिल्कुल प्रॉपर रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइड में अटैच कर लिया है, तो यहाँ पे हमारी बॉक्स प्लेट इस तरीके से नजर आएगी। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने बॉक्स वाले दोनों साइड के पीस ये ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमारी यहाँ पे आसन की सिलाई रह जाती है, जो ये आसन होता है, ये हमारी बेल्ट है ऊपर और ये आसन हो गया। तो यहाँ पे हम आसन वाली जो सिलाई लगाते हैं, ज्वाइंट वाली, जिसको गिदरी की सिलाई बोलते हैं, जो कि मैं आसन का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सी सिलाई लगाने वाले हैं। अब इस सिलाई को लगाने के लिए हम पूरे पीस को उल्टा कर लेते हैं और नीचे मोरी की साइड से शुरुआत करते हैं। ये दोनों सिलाई हमारी यहाँ पे मिलनी चाहिए।
प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे एक साइड से सिलाई कंप्लीट कर ली है। नीचे की साइड फोल्ड लगा देते हैं जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई लगाते हुए और नीचे की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो बॉक्स प्लेट वाला प्लाजो है इसको कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बॉक्स प्लेट वाला जो प्लाजो है, पैंट प्लाजो, इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऊपर की साइड, यहाँ पे हमारी बेल्ट होगी, बैक साइड इलास्टिक होगी, साइड में यहाँ पे जीप आ जाती है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे नीचे की साइड बॉक्स प्लेट डाली हुई है और ये प्लाजो को हमने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।